भारतीय टीम अब अपने नए मिशन की ओर बढ़ चुकी है। बता दें कि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके बाद टीम इंडिया को T20 सीरीज भी खेलनी होगी। T20 सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है, वहीं हार्दिक पांड्या को टीम की कमांड सौंपी गई है। दोस्तों आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन 5 भारतीय खिलाड़ियों को जिनसे न्यूजीलैंड को डरना चाहिए। लिस्ट के पहले नंबर पर है टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभम गिल का नाम, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में कुल 58 रन बनाए थे। वहीं वनडे सीरीज में गिल का बल्ला आग उगलता नजर आया। गिल इस वक्त शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज में कुल 127 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर है टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का नाम, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था। सूर्या ने राजकोट में खेले गए मैच में नबाद 112 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वहीं 3 मैचों की T20 सीरीज में उन्होंने कुल 170 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर है टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में कुल 45 रन बनाए और 2 विकेट झटकाए थे। वहीं वनडे सीरीज में 2 मैच खेलते हुए पांड्या ने 50 रन बनाए और 1 विकेट झटकाए। लिस्ट में चौथे नंबर पर है कुलदीप यादव का नाम, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 मैचों में कुल 5 विकेट झटकाए। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी के साथ कुल 8 विकेट हासिल किए थे। ऐसे में यह आस लगाया जा रहा है कि T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों को कुलदीप यादव से खतरा हो सकता है। लिस्ट में आखिरी नंबर पर है टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक का नाम, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने T20 सीरीज में कुल 7 विकेट अपने नाम किए। वहीं वनडे सीरीज में उमरान ने 2 मैचों में खेलते हुए 5 विकेट झटकाए।